जनगणना, महालक्ष्मी स्कीम, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा माफ। नरेंद्र मोदी जी जानते थे कि इस व्यक्ति ने 400 महिलाओं का रेप किया, क्यों? क्योंकि होम मिनिस्टर जानते थे। मैंने ये कर्नाटक में बोला, नेशनल मीडिया के एक अखबार ने ये बात नहीं लिखी। वो अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा, वो चल रही थी मीडिया इनकी। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूँ, बिल्कुल चुप हो गए। मतलब समुद्र के नीचे का जाकर बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ होना जाए यहाँ। तो मजाक बना रखा है राजनीति का। जाति जनगणना, महालक्ष्मी स्कीम, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा माफ, गारंटीड कानूनी एमएसपी, मजदूरों को 400 रुपए, आशा आंगनवाड़ियों की आमदनी दुगनी, ये शुरुआत है। ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी के भाषण देखिए। आप जानते हो कि कर्नाटक में रवन्ना नाम सुना आपने? हाँ सुना। उसने 400 महिलाओं का बलात्कार किया, रेप किया है। कि ये रवन्ना है, इसने 400 महिलाओं का रेप किया है। होम मिनिस्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। नरेंद्र मोदी जी जानते थे कि इस व्यक्ति ने 400 महिलाओं का रेप किया, क्यों? क्योंकि होम मिनिस्टर जानते थे। तब भी जाके नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस रवन्ना को वोट दो, इसका समर्थन करो, मुझे जिताओ। मैंने ये कर्नाटक में बोला, नेशनल मीडिया के एक अखबार ने ये बात नहीं लिखी, एक अखबार ने नहीं लिखी। वो अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा, वो चल रही थी मीडिया इनकी। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। तो वो कभी नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुंदर के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे का जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ होना जाए यहाँ। तो मजाक बना रखा है राजनीति का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।